आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स आलिया ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है। इसकी वजह यह है कि एक बार फिर तालिबान ने पाकिस्तान को वार्निंग दे दी है। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की तरफ से एक नहीं बल्कि कई एक धमकियों भरी एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई है, और उस प्रेस रिलीज़ में ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने यह कहा है कि ये पाकिस्तान का अपना फेलियर है जो वहाँ पर बम धमाके हो रहे हैं, कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई धमाका होता है तो वो हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है, ये तुम्हारी ज़िम्मेदारी है, ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपके मुल्क में क्या हो रहा है, आप हम पर ब्लेम ना करें। यानी ज़बीहुल्लाह मुजाहिद स्पोक्स पर्सन ऑफ तालिबान, उन्होंने अब पाकिस्तान पर यह ब्लेम किया है कि आपके घर में जो कुछ हो रहा है उसकी ज़िम्मेदारी आपकी अपनी है और ये आपका अपना फेलियर है, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का फेलियर है, क्योंकि अगर हमारी ज़मीन पर कोई ऐसा हमला होगा तो हम उसको रोकते हैं। जिस पर उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी पकड़े गए जो कि दाइश के लोग कहे जाते हैं और उसमें पाकिस्तानी शामिल थे। यानी एक तरीके से उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर जो दाइश के लोग काम करें या दाइश के साथ मिलकर जो दहशतगर्दी हो रही है उसमें जो लोग पकड़े हैं जिसके बारे में उनके पास इंटेलिजेंस मौजूद है, पाकिस्तान जिस तरह हम ये कहते हैं कि अफ़गानिस्तान से यहाँ पर दहशतगर्दी होती है, अफ़गानिस्तान के दहशतगर्द या TTP या वहाँ से जो दाइश के लोग हैं वो यहाँ पर दाखिल होते हैं, दहशतगर्दी करते हैं, इसी तरीके से उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपने मुल्क अफ़गानिस्तान में जो लोग पकड़े उनका ताना बाना और जो ताल्लुक है वो पाकिस्तान से है। तो एक तरीके से अब अफ़गान तालिबान ने, अफ़गान हुकूमत ने, अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर ये ब्लेम किया है कि ना सिर्फ ये कि हम आपकी तरफ कोई ऐसी दहशतगर्दी नहीं कर रहे बल्कि हमारी तरफ जो दहशतगर्दी हो रही है वो आपके मुल्क के लोग शामिल हैं। अब ये एक बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल इसलिए है कि आपको याद होगा कि अभी इससे दो दिन पहले तालिबान हुकूमत के जो अमीर हैं की तरफ से ये हौसला अफजा बयान आया था कि पाकिस्तान पर हमला करना हराम है, और उन्होंने ये हुक्म जारी किया था कि जो भी इसको जिहाद समझ के हमला करेगा तो इसको जिहाद नहीं समझा जाएगा, ये आप जिहाद नहीं करेंगे। अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप दहशतगर्दी करेंगे दूसरे मुल्कों में और पाकिस्तान पर अगर हमला होगा और उसको जिहाद समझा जाएगा, कोई भी ग्रोह या ग्रुप इस तरीके से करेगा, तालिबान अगर ऐसा करेंगे तो हम उसको जिहाद नहीं समझेंगे, उसको जिहाद नहीं माना जाएगा, तो ये एक बड़ी हमारे लिए कम अज़ कम यानी कि पाकिस्तान के लिए एक ऐसी डेवलपमेंट थी कि जो कुछ दिनों से एक दूसरे के साथ एक फ़ेस ऑफ की सिचुएशन थी और एक दूसरे को जो वार्निंग जारी की जा रही थी। आप जानते हैं कि उससे पहले भी हमने जो प्रोग्राम किया आपको बताया कि आर्मी चीफ की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है, बड़ा सख्त बयान आया, बल्कि अभी दो दिन पहले जो मैंने प्रोग्राम किया उसमें मैंने आपको तफसीली ये बात बताई कि आर्मी चीफ की तरफ से एक ऐसा बयान आया है, स्टेटमेंट जारी की गई है तालिबान के हवाले से कि यहाँ पर दहशतगर्दी जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी और उसका जवाब कैसे दिया जाएगा। तो ये कुछ दिनों से जो मामला चल रहे हैं इसमें अब एक और मोड़ ऐसा आया है कि जिसमें एक ऐसे बयान के बाद कि जिहाद तसव्वुर नहीं किया जाएगा, इससे ये पता चला ना कि पाकिस्तान से हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, कोई ऐसी बात नहीं होगी, यहाँ से कोई दहशतगर्दी नहीं होगी, और हमने तो ये कह दिया कि जो ऐसा करेगा तो वो जिहाद नहीं हम मानेंगे, वो हराम होगा, तो अब कोई हमला ऐसा नहीं होगा। लेकिन ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की तरफ से इस तरह की वार्निंग आना, एक ऐसी प्रेस रिलीज़ आना जिसमें बार बार उनकी तरफ से ये कहा जाना कि अगर कोई ऐसा हमला आपकी तरफ होता है तो उन्होंने तो धड़ल्ले से दो टोक मुंह पर ये कहा है कि ये आपकी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का फेलियर है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज तो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही हैं, देखें हमने अपने मुल्क में कैसे अमन कायम किया है और हमारे तो हालात बेहतर हुए, हमारे जो दहशतगर्दी के हालात हैं वो हमने बड़े अच्छे कर लिए हैं, और यहाँ पर अगर कोई ऐसा हमला होता है तो हम आपके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाते बल्कि हम उसको ढूंढते हैं और हम उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, लेकिन अगर आपकी तरफ कोई हमला होता है तो आप कहते हैं कि ये अफ़गानिस्तान से हुआ है या ये तालिबान की, तो उन्होंने कहा कि हम ये नहीं मानेंगे। भाई हम नहीं मानने वाले, अब आप तुसी जो मर्ज़ी कह दे रहो, साडी जिम्मेदारी नहीं हैगी, साफ साफ उन्होंने दो टोक अल्फाज में आपके यानी मुंह पर मारा एक तरीके से हमारे, कि उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा हम अब ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा अब जहाँ पर ये है ना, तो इसको हम अगर ये कहें कि ज़रा हम हल्का लें तो वो भी नहीं ले सकते। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि रीजन में जो इस वक्त चल रहा है ना खत्ते में, वो काफ़ी तशवीशनाक है, क्योंकि एक और ख़बर जो कि ब्लूमबर्ग ने पब्लिश की है और उसके अलावा अब हर जगह पर पब्लिश हो रही है, वो ये है कि अफ़गानिस्तान ने सैकड़ों खुदकुश बम्बार
तैयार कर लिए हैं और भेज भी दिए हैं ईरान के लिए। और वो किस लिए कि अफ़गानिस्तान और ईरान का पानी के मसले पर बहुत तनाज़ा है, कॉन्फ्लिक्ट है। जिस तरीके से हमारा सिन तास मुहिदा और ये जो पानी का झगड़ा चलता रहता है ना पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो मामलात हैं पानी के ऊपर, तो अफ़गानिस्तान और ईरान का भी एक इसमें एग्रीमेंट है जिसमें दोनों ने साइन किए हुए हैं। लेकिन ये अब कब पक्का, ये मामला कब उठा और ये गर्मा गर्मी कब हुई, तो मिड मे में ईरान की तरफ से जो ईरानी सदर हैं इब्राहिम रईसी, उन्होंने तालिबान को एक वार्निंग दी थी और उन्होंने कहा था कि अफ़गानिस्तान के ईरान पानी के जो मुहिदा है, जो एग्रीमेंट है, आप उसको रिस्पेक्ट करें, आप उसका एहतराम करें, वरना जो इसके नतायज हैं आप उसके लिए तैयार हो जाएं। तालिबान ने इसका जवाब कैसे दिया आप जानते हैं? तालिबान ने जवाब में 20 लीटर वाटर कंटेनर उनके लिए तोहफे के तौर पर पेश किया। यानी एक तरीके से ये तंज था और कहा था कि तुम हम पे हमला करोगे, तुम हमें वार्निंग जारी कर रहे हो। अच्छा, उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद ये हुआ है कि तालिबान ने हज़ारों फौजी और सैकड़ों खुदकुश बम्बार इलाके में भेज दिए हैं। ये इंटरनेशनल मीडिया इसको पब्लिश कर रहा है जो मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ। ये अल अरेबिया उर्दू में सारी इसकी स्टोरी और डिटेल्स छाया हुई हैं। उनके सिर्फ एक वार्निंग देने पर आगे से उन्होंने कहा, अच्छा एक तो पहले 20 लीटर वाटर कंटेनर उनको तोहफे के तौर पर, उन्होंने कहा अच्छा ये ले लो अगर पानी का मसला है, और फिर हज़ारों फौजी और खुदकुश बम्बार तैयार किए पानी के मसले पर और भेज दिए वहाँ पर। तो अब आप ये बात याद रखिए कि ये जो जंग है ये कोई छोटी मोटी जंग नहीं होगी, यानी ये तो उड़ा के रख देगी, तबाह बर्बाद कर देगी इस खत्ते को। लेकिन जो मेरा इस वक्त बात करने का एंगल है वो ये है कि वहाँ से अगर ईरान की तरफ से कोई छोटी मोटी बात की जाती है, कोई वार्निंग है, तो आगे से देखें वो करते क्या हैं। इसका मतलब है कि तालिबान हमारे साथ तो भी बहुत अच्छे हैं कि वो बार बार हमारे लिए जो है वो प्रेस रिलीजेज जारी हो रही हैं उनकी, बेशक वो धमकियों भरी प्रेस रिलीजेज, उन्होंने हमारी हुकूमतों से लेकर और इंटेलिजेंस एजेंसीज तक के फेलियर्स जो हैं वो गिनवाए हैं और लानत मलामत की है और बहुत कुछ कह दिया है। लेकिन ना फिर भी ये इससे कम है कि हज़ारों फौजी और खुदकुश बम्बार तैयार करके वहाँ पर भेज दिए जाएँ, उससे तो कम है। तो आप इसके लिए अब तैयार रहिए कि अभी तो वो हल्के फुल्के पोले पोले जो है ना वो जवाब देते हुए नज़र आते हैं। पोले पोले तो नहीं, खैर जवाब जी है, हम इसको ले लें अपनी इज्जत रखने के लिए तो और बात है, पोले पोले, वरना ये तो देखिए अब कितने साल तक तालिबान की लड़ाई जारी रही अमेरिका के साथ, वहाँ पर जो कुछ होता रहा 20 साल ये सब होता रहा, उससे पहले जो वहाँ पर ग्रुप्स और ग्रोह हैं वो एक तो सबसे पहले तो आपस में ही उनकी जंगें होती रहीं, लड़ाइयाँ होती रहीं, और उसके बाद फिर उनके जब दूसरी ताकतों के साथ लड़ाइयाँ शुरू हुई और फिर अमेरिका के साथ हमने देखा, फिर अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान के जो ताल्लुकात रहे, फिर यहाँ पर जो दहशतगर्दी होती रही उसमें क्या कुछ होता रहा। और फिर ये एक और बात उन्होंने कही है वो भी मैं आपको बताऊँ, ये जो प्रेस रिलीज़ है उन्होंने उसमें ये भी कहा है कि उनके मुल्क में जो कुछ अभी तक होता रहा है, तो कहाँ जहाँ उन्होंने कुछ कंट्रीज़ के नाम लिए वहीं पर उन्होंने कहा है कि कुछ ताकतें या कुछ ममालिक या ये के खत्ते के जो है ये कुछ ममालिक, इसमें जो ब्लेम किया उन्होंने कि उनके मुल्क में जो तबाही आई है और अभी तक जो बर्बादी हुई है उसके ज़िम्मेदार कुछ कंट्रीज़ हैं। अब ये इसमें उन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन एग्जैक्टली उन्होंने जो इशारा किया है वो पाकिस्तान की तरफ है कि देखो हमारी तरफ पहले ही बहुत बर्बादी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी हुई है और जो कुछ हमारे मुल्क का हाल हो गया है, तो उसके ज़िम्मेदार भी तुम हो, तो ये ना अब सोचना कि हम जो हैं वो ऐसा कुछ होता है तो हम पीछे रहेंगे और हम ये बातें सुनते रहेंगे। अब हम नहीं सुनने के, आप खुद अपने तमाम फेलियर्स के ज़िम्मेदार हैं, आप एक नाकाम तरीन मुल्क हैं, नाकाम तरीन पॉलिसीज़ हैं आपकी, नाकाम तरीन हुकूमतें एजेंसियाँ सबको उन्होंने लताड़ के रख दिया है इस उसमें प्रेस रिलीज़ में और जो बातें हुई हैं ज़बीहुल्लाह मुजाहिद साहब ने जो कुछ कहा है। तो साथ ही अच्छा मैं अब आपको आखिर में ये बता दूं कि जो हमने ईरान और अफ़गानिस्तान के पानी के मामले पर बात की है तो इसमें इनका जो ये एग्रीमेंट है ये 1973 में अफ़गानिस्तान और ईरान के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था। नॉर्मल सरकमस्टांसिस में एनुअली एक ख़ास क्वान्टिटी रखी गई थी पानी की कि इतना पानी मुहैया करेगा। अब अगर आप एक्सपर्ट से ये मालूम करें कि ये क्या है तो वो ये कहते हैं कि दरियाए हिलमंद के तास में पानी की कमी जो है वो जो इस वक्त क्लाइमेट चेंज है उसका रिज़ल्ट है।
और कोई ऐसी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि मुल्क क्योंकि गर्म हो रहा है और शदीद बारिशों और इसके बाद फिर एक जो खुश्क साली आती है उसका सबको सामना करना पड़ता है, और 1950 के बाद से मुल्क में ख़ास तौर पर जो हीट वेव्स हैं वो दर्जे हरारत 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड का जो है वो कह रहे हैं कि उसमें इजाफा हुआ है। तो ये है सिचुएशन। और जो उनकी तरफ से इब्राहिम रईसी की तरफ से बयान जारी किया गया था, तो जो तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद जिन्होंने अब हमारे बारे में ये सब कुछ कहा है, तो उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि रईसी का बयान नामुनासिब है और इससे ताल्लुकात को नुकसान पहुंच सकता है। और फिर इसके बाद जो फॉरेन मिनिस्टर अमीर खान मुत्तकी ने ये कहा था कि ये मसला सिर्फ खुश्क साली की वजह से हुआ है और अफ़गानिस्तान इस अग्रीमेंट को रिस्पेक्ट करता है। लेकिन उसके बाद ये कहने के बाद आप देखिए कि कुछ ही दिनों के बाद वो ये कह रहे हैं कि हज़ारों फौजी और जंगजू उन्होंने भेज दिए हैं और वो जंग के लिए तैयार हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कुछ दिन पहले उनके अमीर का ये बयान आया है कि कोई ऐसा हमला करेगा तो वो हराम होगा, जिहाद जो है वो हराम है, पाकिस्तान पे हमला नहीं होना चाहिए भाई भाई हम, तो उसका फिर इसी तरीके से उनको भी पहले यही कहा था और अब जंगजू भेज दिए, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारी तरफ भी कुछ, खैर इस तरफ तो रवाना होते ही रहते हैं हम, यहाँ पर तो हम कहते हैं कि जो सिचुएशन जो हालात व वाक़ात दहशतगर्दी के हैं तो उसके बाद क्या कहा जाए। यह है सिचुएशन। अब आप देख लें कि क्या हमारे मुल्क का कोई भी ऐसा पॉइंट या कोई भी ऐसा सब्जेक्ट या कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट है कि जो सही चल रहा हो। इजाज़त दें, आपसे दोबारा मुलाकात होती है।